भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की प्रेरणा से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन तहत हम लोग उनको निभाते हैं और आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के इस अवसर पर पोरबंदर जिले में भी राष्ट्र कक्षा और राजकीय राज्य कक्षा के कार्यक्रम के साथ पोरबंदर जिला कक्षा का भी यहाँ पे पोरबंदर का जो रमणीय चौपाटी जगह है वहाँ पे 3000 योग साधकों ने आज योग साधना की। कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत आज सबने योग साधना की और हर साल यहाँ पे यही उत्साह से पोरबंदर जिले में जो योग दिन मनाया जाता है वही उत्साह से इस बार भी पूरे जिले में 554 जगह पर कुल 95,000 लोगों ने आज योग साधना की है और हमें मालूम है कि पोरबंदर जिले के सभी नागरिक और योग साधकों ये आज के दिन के लिए ही नहीं पर अपने पूरे जीवन में योग का ये जो अभ्यास है उनको प्रतिदिन ये लोग अपने लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे और ये योग का जो प्रभाव है मन पर, शरीर पर, उनकी तंदुरुस्ती पर और लोगों के स्वास्थ्य पर वो तो जग प्रख्यात है और ये हमारी प्राचीन परंपरा है और प्राचीन परंपरा में ये सिर्फ ये ज्ञान ही नहीं विज्ञान भी है और आज हमने इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी हमने सुना है और सभी योग साधकों ने भी सुना है। सभी जगह ये लाइव प्रसारित किया गया है और मैं आशा करता हूँ कि योग पोरबंदर जिले के हर एक नागरिक के दिन में एक दिनचर्या का भाग अवश्य बनेगा। थैंक यू। आज पोरबंदर में, गांधी भूमि पोरबंदर में 21 जून के दिन इंटरनेशनल योगा दिन के लिए हम लोग इधर चौपाटी पे सब एकता हुए हैं और सब इधर योग कर रहे हैं। हमारे माननीय वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का स्वप्न है कि पूरा विश्व योग करे और अच्छा रहे और उसकी तबीयत और सब उसका हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि योग करने से हेल्थ इज़ वेल्थ और योग करने से हेल्थ अच्छी रहती है। तो हमारे जो वड़ा प्रधान, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का ड्रीम है कि पूरा विश्व ये योग करे और इसीलिए पूरे विश्व में आज ये सेलिब्रेट किया जाता है। हमने भी इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माननीय उसके साथ और जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बाबाई बोखिरिया साहब और सब सर्वश्रेष्ठ समाज के साथ आज योग किया और बहुत अच्छा सबको अभिनंदन भी देते हैं कि सब सुबह में उठ के इतने जल्दी आ गए और फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और योग के लिए भारत के अच्छे नागरिक और सिटीजन्स रेडी होते हैं क्योंकि जो योग करते हैं वो कभी बीमार नहीं होते और उसको विकास की गाथा करते हैं।